हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के हमारे चैनल आकाश एजुकेशनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का महाराष्ट्र बोर्ड का जो है मैथ्स पार्ट 1 का एलजेब्रा, जिसे हम लोग कहते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है, सॉरी लेक्चर नंबर थर्ड होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले ग्राफिकल मेथड सीखने वाले और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 भी सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी से आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मेथड सीखने वाले हैं। ये ग्राफिकल मेथड आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप लोग एकदम कंप्लीट डीप नॉलेज ले लेना भाई। आज का वीडियो 22-23 मिनट का होने वाला है, तो इसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करवा के पूरा तो नहीं देंगे, लेकिन ना कुछ क्वेश्चन दे देंगे। बाकी आप खुद अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेना एकदम अच्छे मन से, तो मेरी 100% गारंटी कि आप कर ले जाओगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर्स को। देखिए पहला इसमें क्या दिया, एक्टिविटी सॉल्व करना। तो एक्टिविटी यहाँ पर देखो दो एक्टिविटी दी गई हुई आपको बॉक्सेस में। आपको इसकी वैल्यू फिल करने के बाद आपको इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बताना सब बताऊंगा, दिक्कत मत लो। यहाँ पर देखिए पहले आप लोग कुछ यहीं से समझ लीजिए। एक्स की यहाँ पर देखिए पहला इक्वेशन क्या लिखा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। मुझे उम्मीद है कि आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे। फिर यहाँ पर एक बॉक्स में लिखा हुआ एक्स इक्वल टू 3, मतलब एक्स का वैल्यू इसने 3 माना। अगर एक्स का वैल्यू 3 माना तो वाई का वैल्यू क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आंसर में लिखा हुआ है 0। ऑलरेडी आंसर में क्या देखो वाई जगह क्या लिखा हुआ है 0, तो यहाँ पे हमने लिख दिए 0। अब थर्ड बॉक्स में देखो वाई जगह 3 माना है, एक्स के जगह यहाँ ऑलरेडी 0 लिखा, तो हमने इस तरीके से इधर 0 लिख दिए। अभी आप बोलो भाई आपने -2 कैसे लिया, यहाँ पे -2 आपने कैसे माना? देखिए आइए बुक के ऊपर चलते हैं। अगर आपको ये मेथड सॉल्व करना है तो आप लोगों को पहले क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पूरी तरीके से आना चाहिए, नहीं तो आपका जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है उसके साइमल्टेनियसली मेथड आने चाहिए। देखिए यहाँ पे देखो मैं आपको रिलेट करते चलता हूँ। यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन है ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, मैं लिखा हूँ कहीं और से नहीं लिखा हूँ। यहाँ पे बोलोगे 5 से लिखा भाई, ये देखिए वाई की जगह पे 5 लिखा है। ओके एक्स की वैल्यू हमें निकालें तो एक्स को ऐसे ही लेकर रखेंगे, फिर एक्स को इधर लेकर रखेंगे 3। अभी ये 5 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। फिर एक्स इज इक्वल टू 3 - 5 - 2, एक्स की वैल्यू क्या मिल गई दोस्तों हमें, एक्स की वैल्यू मिल गई -2। इस तरीके से मैंने एक्स की वैल्यू निकाला। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का समझ में आ रहा होगा कि पहला टेबल किस तरीके से फिल किया गया। अब बढ़ते हैं सेकंड टेबल की तरफ कैसे करना है। यहाँ पर देखो वाई की वैल्यू क्या दिया है, 0। वाई की वैल्यू दोस्तों 0 दी है। ओके यहाँ पर देखते हैं सेकंड का ये है, मतलब सेकंड बॉक्स है इसका इक्वेशन का, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। वाई की वैल्यू 0 4 है। यहाँ पे एक्स, अब यहाँ एक्स की वैल्यू निकालना है, यहाँ प्लस था उधर जाएगा, इधर माइनस था उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस। तो 4 + 0 एक्स की वैल्यू 4 आ गई, एक्स की वैल्यू 4 लिखा। यहाँ पे देखिए हमें वाई की वैल्यू यहाँ पे दिया था तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल लिया, लेकिन हाँ आपको किसी किसी कंडीशन में एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू नहीं दी रही, वहाँ पे आपको वैल्यू को मानना पड़ेगा कि हमने मान लिया इतना है। वहाँ पे तो आपको अपने मानने के हिसाब से काम करना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, आप लोग क्लास 10th में आ गए हो। फिर यहाँ पर देखो सेकंड बॉक्स में क्या लिखा, एक्स इज इक्वल टू एक्स के वैल्यू में -1। तो फिर से उसी इक्वेशन को हम लिखेंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, दिख रहा है ना। फिर देखिए एक्स की जगह -1 रखो और फिर वाई ऐसे ही रहने दो। ओके फिर वाई आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस हो जाएगा +1। वाई इज इक्वल टू 5। वाई की वैल्यू क्या मिल गई दोस्तों, वाई की वैल्यू मिल गई हमें 5 मिल गई। मिल गई कि नहीं, मिल गई ना। अब देखो बाकी तो थर्ड बॉक्स भर के दी दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट -2 आपने बता दिया इस तरीके से आया, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू कैसे यहाँ पे मैं बताया। अब आइए दोस्तों देखिए मेन काम ये नहीं है कि आप इसकी वैल्यू निकाल लो, मेन काम ये है कि आप इसका ग्राफ ड्रा कर लो। क्योंकि आप दोस्तों पेपर में जितना अच्छा ग्राफ प्रेजेंटेशन करके आएंगे उतने ही संभावना बढ़ जाएगी कि आपको ग्रेटर मार्क्स मिलने का। इसके लिए इसमें ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं ऑलरेडी ग्राफ बना के रखा हूँ, डायरेक्ट ग्राफ दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं ग्राफ बुक पर ग्राफ नहीं बनाया हूँ, आई एम सॉरी, नोटबुक पर ही बनाया। तो आइए देखते हैं इसको, आपको क्या करना है, आपको एक ग्राफ पेपर लेना है। अगर आप लोग के पास इस समय ग्राफ पेपर नहीं है तो दोस्तों आप लोग मेरे जैसा काम चलाने के लिए कुछ भी ले सकते हो। आप लोग सबसे पहले एक मिनट, कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है ना। हाँ दोस्तों आपका कैमरा ब्लर नहीं हो रहा, तो अगर आप लोग के पास ग्राफ पेपर हो तो ऑल द बेस्ट, अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मेरे पास भी ग्राफ पेपर नहीं था तो मैंने मैंने जुगाड़ लगाया,
अपने नोटबुक पे काम किया तो आप लोग भी इस तरीके से कर ले। देखिए इसका एक मेथड है, मेथड क्या है, आप लोग को एक चीज़ याद या हरदम याद रखना पड़ेगा। अगर कोई आपको रात को 2 बजे भी पूछो भाई क्या मेथड है तो आप उसको फटाक से बता दो। इसका मेथड क्या कहता है, आपको ऐसे आपको ग्राफ पेपर लेना है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना, मतलब इसको बीच से और फिर इसको इधर से, लेकिन इसमें आपको ये जो नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 बी माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 इसको कैसे लिखना है। देखो इसमें इसका एक कंसेप्ट है, ये समझ लो बस, बाकी तो समझ लोगे। देखो इस समय अब कभी भी आपने ऐसा बॉक्स बनाया तो बॉक्स का जो राइट वाला हैंड रहेगा, मतलब जो राइट वाला साइड रहेगा, राइट वाले का जो अपर रहेगा, ये हरदम, यहाँ देखो मैं लिखता हूँ यहाँ, ये हरदम प्लस में रहेगा, ये हरदम दोस्तों प्लस में रहेगा। यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये हरदम प्लस में रहेगा, ये क्या रहेगा दोस्तों, ये हरदम प्लस में रहेगा, और ये माइनस प्लस में रहेगा, और ये हरदम माइनस में रहेगा, और ये प्लस माइनस में रहेगा। ये कंसेप्ट समझ गए दोस्तों, बस आइए फिर से बार रिवाइज मारते। इस वाले कॉलम को हमको प्लस प्लस, इसको माइनस प्लस, इसको माइनस माइनस, इसको प्लस माइनस, एक बार और रिवाइज मारते आप लोग को अभी याद हो जाएगा खड़े खड़े। देखिए प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, हो गया ना दोस्तों। अब आपको अपने ग्राफ पेपर में एक एक सेंटीमीटर के हिसाब से, नहीं तो आप देखिए जैसे कि ये स्केल ले लीजिए, स्केल में देखिए यहाँ पर जैसे 6 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पे देखिए, आपको इतने का ही 1 सेंटीमीटर के हिसाब से आपको ड्रॉ करना है, तो आप उसे ड्रॉ करना। मैं एक एक सेंटीमीटर गैप पे ड्रॉ किया, यहाँ पे आप लिखना है स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि आप लोग को यही मानना है 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 यूनिट हम मान रहे, तो इसी को मान के आप लोग को आगे चलना पड़ेगा, तो ये आप लोग कर पाओगे। फिर आगे देखिए आप लोग को एकदम इसको ड्रॉ करना है, नंबरिंग बराबर करना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4, मतलब जहाँ तक जितना नंबर आप क्लियर होगे उस हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से मान सकते हो। इधर मान लेना, इधर एकदम आप लोग नंबरिंग बराबर कर लेना। उसके बाद एक चीज़ ध्यान देना कि जो मतलब इधर का कॉलम रहेगा, इधर का कॉलम इन नंबरों के आगे माइनस माइनस लगा देना, क्योंकि देखिए प्लस प्लस, माइनस प्लस, ए माइनस ए प्लस हो जाएगा, फिर ए माइनस माइनस, फिर ए प्लस माइनस, क्योंकि ए प्लस रहेगा माइनस, इसलिए प्लस माइनस। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आप लोग को ड्रॉ कैसे करना है, ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ डाटा मालूम रहना चाहिए। तो देखिए हम इसी के बेसिस पर ड्रॉ करेंगे, हमने सबसे हमारा जो पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू 3 थी, वाई की वैल्यू 0, तो अभी आप देखिए हमसे दोनों पॉजिटिव है, निगेटिव एक बनी, तो एक्स भी 3 भी प्लस में, 0 भी प्लस में, तो अब आपको कहाँ जाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये माइनस माइनस है, यहाँ को कुछ भी नहीं होना, ये माइनस प्लस यहाँ भी कुछ भी नहीं, ये प्लस माइनस कुछ भी नहीं, तो आपको कहाँ जाना है, प्लस प्लस में जाना है, प्लस प्लस में जाना है। ये आपका एक्स एक्सिस रहेगा, ये कभी भी आपका ये एक्स एक्सिस रहेगा और ये आपका वाई एक्सिस रहेगा, तो आपको एक्स एक्सिस में 3 नंबर खोज लो। एक्स एक्सिस में दोस्तों आप 3 नंबर खोज लिए और वाई एक्सिस पर 0 खोज लो, वाई एक्सिस पर आप 0 खोज लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3,0 चाहे ये एक्स एक्सिस लो चाहे वाई एक्सिस लो, मैंने इसमें ये एक्स लिया ये वाई लिया है, यहाँ पे देखिए 3,0, क्योंकि देखिए एक्स वाले पे 3 है और फिर इधर ही 0 भी है, 0 क्या ये यही है ना भाई, ये 0 है तो इधर जाके 3, तो मतलब यहाँ पे आपको एक डार्क करके एक बड़ा गोला मार देना, एक पॉइंट हो गया। फिर यहाँ देखिए सेकंड में देखिए एक्स की जगह माइनस 2, मतलब माइनस आ गया, माइनस प्लस है, तो खोज यहाँ, अब यहाँ पर आ जाओ एक्स ये राम हमारा माइनस 2। अब यहाँ पे आप इस तरीके से स्केल रखोगे, स्केल रखने के बाद आप एकदम फाई के पास जाओ, बाद में फाई से इस तरीके से पेंसिल चला के यहाँ पे आपको इस तरीके से पॉइंट को डार्क करने बाद एक आप सर्कल कर दीजिए, आपका दूसरा पॉइंट मिल गया दोस्तों। और फिर तीसरा देखते हैं, यहाँ पर देखिए 0,3 ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक्स पे 0 रहना चाहिए और वाई पे 3 रहना चाहिए, देखिए एक्स का 0 वाई का 3, तो 3,0 और जो देखिए वाई पे 0 एक्स पे 3, यहाँ पे आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट मिल गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से स्केल रखो और एक लाइन खींच दो, एक लाइन खींच दिए। अगर दोस्तों ये लाइन डायरेक्ट मतलब ये जो दो तीनों पॉइंट रहेंगे ना, ये तीनों पॉइंट आपस में ज्वाइंट होने चाहिए, अगर ये तीनों पॉइंट ज्वाइंट नहीं हुए तो समझ लेना कि आपका ये इक्वेशन गलत है, आपका इक्वेशन गलत है, तो आप फिर से सॉल्व करना, फिर या तो आप ग्राफ
गलत बनाए हो या तो आप इक्वेशन गलत बनाए हो, अगर वो तीनों एक लाइन में नहीं आया। वैसे मोस्टली आ जाते हैं दोस्तों, मतलब बाई चांस, एकदम रेयर चांस पर कभी कभी नहीं होता है। हो गया उम्मीद, एक इक्वेशन सॉल्व किया। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं दोस्तों, एक सेकंड दिखा रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो रहा है। हाँ दोस्तों, अब ब्लर नहीं हो रहा है। देखिए एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 0 है, लेकिन दोनों पॉजिटिव आता है। यहाँ पे आप देखिए एक्स पे 4 ले लिया है, वाई पे 0। यहाँ पे आप रख के सर्कल मार दो। फिर यहाँ पे देखिए मेरे जहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड में देखिए टेक्स्ट बुक के ऊपर एक्स की वैल्यू -1 और +5। अब माइनस प्लस किधर है दोस्तों, बता दो किधर ये रहा। यहाँ देखिए माइनस प्लस, सॉरी ये माइनस माइनस रहेगा, क्योंकि ये माइनस रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस रहेगा। देखिए क्यों, यहाँ पे जो y की वैल्यू, यहाँ पे जो 1 इधर लिए थे +4 +1 5 हुआ था, लेकिन ये y के पास जो माइनस था, बाद में ये माइनस यहाँ से हट के -5 के पास आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस रहेगा। तो देखिए यहाँ पे -1, आप कभी भी ऐसे स्केल लेना है, -1 यहाँ पे रखो, -5 एक सर्कल, मतलब एक डार्क पॉइंट करके एक गोला मार दो। फिर एक्स के यहाँ पे 0, मतलब आपकी एक्स ये लाइन है, तो ये आपका जी 0 हो गया, वाई पे -4, तो ये रहा हमारा -4, ये हो गया हमारा -4। अब इसके करने के बाद इसको आप लोग देख लो, तीनों लाइन एक में आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे कोई लीनियर। और आप एक चीज़ यहाँ देखो, ये जो दोनों लाइन है दोस्तों, ये वहाँ ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है ना, यही मैन है। अब देखो दोस्तों, हम इन्हें इसे सॉल्व कर दिया, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा और कुछ लोगों को आ गया होगा। अब जिनको नहीं आया उनकी भी मैं समस्या दूर कर देता कि आप लोग का प्रश्न क्या होगा। देखिए क्योंकि मैं भी एक समय एक स्टूडेंट था, तो मुझे भी मालूम है कि किस तरीके से आप लोग के माइंड में क्वेश्चन उठे होंगे। देखिए अगर आप इसे ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, आप एक ग्राफ पे समझो, आप एज्यूम करो, सॉरी मेरे को, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखो ये आपका टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है। अब आप एक ग्राफ एज्यूम करो, एक ऐसा लाइन खींचो इस तरीके से, इसको एक्स एक्सिस मानो, इसको वाई एक्सिस मानो, और कभी भी एक फार्मूला देखो, ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, फिर ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, इस कंसेप्ट को कभी मत भूलना। ये कंसेप्ट करो, उसके बाद जो वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव में दिया है, उस तरीके से उस वैल्यू को वहाँ पर डिनोट कर दो। वो डिनोट करने के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से। अगर आपका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया, अगर वो कोई लीनियर आ गया, तो दोस्तों वो आपका ग्राफिकल मेथड सही जा रहा है, आपको 3 में से 3 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा। अगर दोस्तों तीनों पॉइंट मिलाने के बाद एक लाइन में नहीं आया, तो समझ लेना आपसे कहीं ना कहीं गलती हुआ, या तो ग्राफ बनाने में गलती हुआ होगा, या तो कहीं आपसे प्लस माइनस में मिस्टेक हुआ होगा सॉल्व करते समय, जो कि मैथ सब्जेक्ट में आम तरीके से हो जाता है। प्लस माइनस के साइन में दिक्कत बहुत जन को होती है, तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा इसको केयरफुली सॉल्व करना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ऑलरेडी वीडियो 13 मिनट की हो चुकी है, तो मैं एक ही लेक्चर में से ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं आपको 2 एग्जांपल और सॉल्व कराऊंगा बस, और 2 क्वेश्चन, फिर आज के इस लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे मुश्किल से 5 से 6 मिनट, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब सॉल्व करके रखा हूँ। सिर्फ मैं आप लोग को एक ओवरव्यू बता दूंगा, आप लोग खुद समझ जाओगे। अगर आप लोग को सारे क्वेश्चन सॉल्व करके चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप का लिंक है, वहाँ जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप SMS कीजिए। अगर आप भाई लेट ज्वाइन करोगे तो SMS कर देना, मैं आपको वहाँ PDF सेंड कर दूंगा। नहीं तो अगर आप आज ही ज्वाइन करोगे जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप लोग को बिना कहे वहाँ पे PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप बाद में भी वहाँ पे ज्वाइन होगे तो आपको PDF मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम बैक टू द पॉइंट। हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, एक सिंपल और एक हार्ड वाला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया, x + y x - 4। हम पहले को ले लिए, x + y = 6 को ले लिया। हमें देखिए हमने x + y 6 लिखा। अब बताओ दोस्तों, हमें इसमें मान लो सपोज y की वैल्यू निकालनी है,
अब हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है क्या? नहीं ना, एक्स और वाई मतलब कुछ नहीं, तो वहाँ पे वन वन है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग 8th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स अच्छे से अगर आप पढ़े हो तो आप लोग समझ जाओगे कि यहाँ पे आप लोग अपने मन से वैल्यू ले लो, आपके मन में जो भी वैल्यू, जैसे कि मेरे मन में 5 था तो मैंने 5 लिया। अब भाई आपके मन में तो आप 20 ले लो, 25 ले लो, 100 ले लो, और आप इवन इसमें -2 भी ले सकते हो, -3, -10, -50, -25, -60, मतलब अनदर नंबर ऑफ इसमें आप चूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंडेंसी है। लेकिन दोस्तों आप हरदम कोशिश करना कि नंबर छोटे छोटे सिलेक्ट करो, क्योंकि छोटे नंबर सिलेक्ट करने का एक फ़ायदा रहता है। फ़ायदा ये रहता है कि दोस्तों कि आप लोग का मतलब कम समय में हो जाता है। अगर आप ज़्यादा नंबर सिलेक्ट करोगे ज़्यादा बड़े आएंगे, अगर आप बहुत बड़ा बनाना पड़ता है, इसलिए कोशिश करना कि छोटे ही सिलेक्ट करें। तो आइए बैक टू द पॉइंट। मैंने एक्स की जगह 5 लिया और 5 इधर प्लस है, इधर गया माइनस, तो वाई की वैल्यू मिल गई 1। वाई की वैल्यू मिल गई ना 1, हमें क्या मिल गई वाई? फिर क्योंकि हमें ऐसे ऐसे 3 नंबर निकालने पड़ते हैं, अगर हम 3 निकाल लेंगे तो दोस्तों हम अपना सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम सेकंड में आ गए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, फिर एक्स प्लस यहाँ पे वाई की वैल्यू 1 मिली, तो उस 1 को यहाँ यहाँ पे रखो, 1 इक्वल टू 6, फिर ये 6 1 हो जाएगा माइनस होगा, तो एक्स की वैल्यू 5 मिल गई। ओके, ये हमारा एक पॉइंट बन गया। फिर हमने यहाँ पे वाई की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 3 ली, तो 6 -3, तो एक्स की वैल्यू 3 मिल गई, तो वाई की वैल्यू भी 3 मिलेगी। हमने जानबूझ के छोटा नंबर दिया, क्योंकि छोटे छोटे नंबर बहुत ईजी होते हैं। ओके दोस्तों, बाद में यहाँ पे हमारा सेकंड हुआ, फिर थर्ड यहाँ पे देखिए, एक्स माइनस वाई इक्वल, सॉरी हाँ ठीक है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्ड वाला है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 2 लिया, तो y की वैल्यू 4 मिली। अब हमने y की जगह 4 पुट किया, तो x की वैल्यू 2 मिल गई। समझ में आ रहा होगा बताएं, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हूँ। और एक ये भी कारण है कि आप लोग क्लास 8th, 9th और इवन 10th प्रैक्टिस 1.1 भी आप लोग इतना सॉल्व करके एग्जाम्पल आ चुके हो कि आप लोग तो ये देखते हैं माइंड में बोल दोगे, अरे यार हटा नल्ला है सब। इसलिए मैं आप लोग का फोकस सिर्फ ग्राफ पे दिखा रहा हूँ, और कोई कहीं भी नहीं। बाद में आप लोग अपने हिसाब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, फिर आपको अपनी वैल्यू के हिसाब से आपको 3-3 निकालने के बाद आप लोग टेबल ज़रूर बनाना। अगर दोस्तों आप लोग एग्ज़ाम में अपना टेबल नहीं बनाए तो आपका हाफ मार्क्स जगह पे कट जाएगा, उसमें आपको रोग आके कुछ मतलब नहीं है। इसके लिए अगर आप 3 में से 3 लाना चाहते हो तो एकदम जो फॉर्मेट बता रहा हो फॉर्मेट को फॉलो करो। तो आइए फटाफट वीडियो को कवर करते हैं। हमने वहाँ पे जो वैल्यू निकाला है, देखिए यहाँ पे एकदम बराबर पुट किया x5 y1, आपको टेबल एकदम प्रॉपर ड्रॉ कर लेना है, जो वैल्यू उधर मिली वो वैल्यू उठा के इसके आगे लिख दो। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, आपने टेबल बना लिया तो आपको ग्राफ बनाने में ईजी होगा। ग्राफ का फॉर्मेट क्या, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये फॉर्मेट है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे एक चीज़ हरदम लिखना, स्केल ऑन बोथ, स्केल ऑन बोथ एरिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब हमने 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 यूनिट को हम लोग मान के ड्रॉप मतलब ग्राफ को किए हैं, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई बंदा बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे देखो, x की वैल्यू 5 थी और y की 1, तो x एक्सिस ये लेना, y ये लेना, तो x पे 5 और y पे 1, तो यहाँ पे देखिए 5, 1, देखें दोस्तों चुटकियों में सॉल्व हो गया। फिर x की 2 और y के 4, तो 2, 4, देखो x की 3 y की 3, ये देखो यार, ये आपको 3 पॉइंट को आप लोग को डार्क कर लेना, इसके लेना, लाइन खींच देना, आपका आंसर सॉल्व हो गया। अब सेम x माइनस वाई इक्वल टू 4 पे क्या कर रहा है, x के जगह पे 7, फिर -3, फिर -3 दोस्तों, ये इस साइड आएगा क्योंकि प्लस माइनस है ना, ये देखिए यहाँ पे इस साइड आ गया प्लस माइनस 7 -3। आप लोग को इस तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लाइन खींच लेना है। अब आइए दोस्तों, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग। तो सही डिफिकल्ट क्वेश्चन डिफरेंट क्या है, मतलब बहुत इजी है लेकिन बहुत लोग को हार्ड लगता है, क्योंकि मेरे साथ मेरे जितने दोस्त पढ़ते थे तो बोलते थे यार माता पच्ची है जी। यहाँ आप लोग को नंबर दे गया, देखिए मैं फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, तो याद रखना कभी भी नंबर मिले ना, अगर ऐसा दिख जाए 3x,
तो आप लोग चुपचाप एक काम करना, जो एक्स है आपको वाई की वैल्यू बताना, तो एक्स के जगह पे आप कुछ भी मान लो। आप सपोज मान लिए 5 मान लिए, अगर आप 3 आप एक्स की जगह 5 मान लिए, अगर उसके आगे नंबर 4 है 5 है 2 है, इन जो भी नंबर रहेगा, यहाँ पे सपोज 3 है, मैंने यहाँ 5 माना, तो 3 5 15, अब 15 को इधर लेके आना, 2 से माइनस करना तो 13, माइनस 30 मिलेगा, फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू आपकी बच गई 13। इस तरीके से आप लोग निकाल लोगे, क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट हो यार, आप लोग साइमल्टेनियसली मेथड सॉल्व करके आ रहे हो, तो ये सब तो बेसिक वहीं आपके क्लियर हो चुका है जब आप लोग ग्राफिकल पे आए हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया होगा, और जो ग्राफ वराफ आप लोग को इतना हार्ड लग रहा है, सब चिंदी है यार, बस जो आप 2-3 प्रैक्टिस करके देख लेना बस। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हेल्पफुल कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ब्रैकेट हेड 1.2 समझ में आया होगा। मैंने इसका एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराया, बाकी सब आप खुद करोगे तो आप लोगों को भी प्रैक्टिस मिलेगा और आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं एग्जाम में कच्चे सॉल्व करने से, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग का समझ में आया होगा ग्राफिकल मेथड क्या है। अगर इसके बाद भी आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो, या तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाके आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपकी रिप्लाई देने की अपने तरफ से 101% कोशिश करेंगे, और हम आप लोग को रिप्लाई देके आपके क्वेश्चन के आंसर देने की अपने तरफ से कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर सारे जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए या नहीं करवाए, सबका आपका सॉल्यूशंस पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आप लोग जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग सीखने वाले डिटरमिनेंट मेथड और क्राइमर्स रूल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।